तीन दवाइयाँ पड़ी हैं और आज हम अपनी चौथी दवाई की ओर जा रहे हैं। हम वही दवाइयाँ ले रहे हैं कि जो प्रैक्टिस में बार बार आती हैं और जिनका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा सकता है। एक हमारी त्रुटि रह गई है, आगे के वीडियो में दाएं और बाएं में उल्टा हो गया है, उसी के लिए हम क्षमा चाहते हैं। आज का हमारा दवाई है वेरेट्रम एल्बम। सो प्रैक्टिस में हमें कब वेरेट्रम एल्बम देना है, हमें कब वेरेट्रम एल्बम सोचना है, तो वो हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। और बहुत सी फरियादें आ रही हैं संयोजक की ओर से कि लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। हम लोग सामने से उनको पूछते हैं कि आपके होमवर्क का क्या हुआ, फिर भी उनका कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो देखिए, गुरुकुल शुरू करने से पहले ही हमने आपको कहा था कि एक घंटा अगर आप होम्योपैथी के लिए दे सकते हैं तो ही गुरुकुल ज्वाइन कीजिए, अन्यथा बहुत सारे अच्छे अच्छे व्याख्यान मेडिसिन के ऊपर, ऑर्गेनन के ऊपर सभी उपलब्ध हैं। ऑनलाइन आपको सब कुछ मिल सकता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत सारी एकेडमियाँ चल रही हैं, वहाँ पे आप पैसे भर के भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको गुरुकुल में सीखना है तो आपको एक घंटा होम्योपैथी के लिए देना ही पड़ेगा, वो आपकी जिम्मेदारी है। हर रोज आपके लिए कोई अपनी एनर्जी वेस्ट करके आपको पूछने के लिए किसी के पास वक्त नहीं पड़ा है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक घंटा होम्योपैथी को नहीं दे पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप संयोजकों को बोल दीजिए, आप हमें बोल दीजिए कि सर हम नहीं दे पाएंगे एक घंटा, हम कुछ नहीं करेंगे, हम आपको पूछना छोड़ देंगे। हमारी एनर्जी, गुरुकुल के सारे लोग अपनी एनर्जी उसी लोगों के लिए लगाना चाहते हैं जिनको होम्योपैथी में कुछ सीखना है। सबके पास ऑर्गेनन मटेरिया, बुक्स, वीडियो, लिटरेचर सब कुछ अवेलेबल है। अवेलेबल नहीं है तो क्या नहीं है, अनुभव कम है। अवेलेबल नहीं है तो क्या नहीं है, अपने सिद्धांतों पे आस्था नहीं है। उनके हमारे पास क्या नहीं होता है, हमारे पास नहीं होता है ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई आदमी कि जो हमारी शंकाओं का समाधान करे, और गुरुकुल आपके साथ खड़ा है उन शंकाओं का समाधान करने के लिए। लेकिन गुरुकुल उसी के साथ खड़ा रहेगा जो गुरुकुल के साथ खड़ा रहेगा। गुरुकुल में क्या रहेगा, अनुशासन। आपकी जिम्मेदारी है तो आपको पूरा करना ही है। तो हमारी बार बार सबसे विनती है कि बहुत ऊर्जा का व्यय ना करवाएं और सभी लोग अपना काम जिम्मेदारी से निभाएं। अगर हमें सीखना है तो हमें ही मेहनत करनी है, वरना स्वयं ब्रह्मा भी आके हमें नहीं सिखा सकते हैं, ठीक है। वीडियो तो बहुत अवेलेबल हैं और मैं कुछ आपको नया बताने नहीं जा रहा हूं। नया बताने के लिए आपके पास बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं। गुरुकुल के लोग तो सिर्फ अपना अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं और ये अनुभव साझा करने के बदले वो आपके पास एक घंटे का काम मांग रहे हैं। तो वो काम अगर आप देने को डेडिकेटेड हैं तो दीजिए, नहीं है तो आप अपने संयोजक को बता दीजिए कि हम अपना काम नहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी वीडियो आप तक आएगी, आप वीडियो देखिएगा, उसमें से आपको जो अच्छा लगे वो ग्रहण करिएगा। लेकिन समर्पण के बिना विद्या नहीं आती है, ठीक है। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो वेरेट्रम एल्बम के ऊपर, कब वेरेट्रम एल्बम सोची जाती है। तो चिली माने क्या, कि जिसकी दिक्कतें ठंड से बढ़ जाती हो, जो ठंड बर्दाश्त न कर पाता हो। पेशेंट आके ऐसा बोले, सर ठंड में दिक्कत बढ़ जाती है, ठंड तो मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होती है। सर मैं गर्मी तो जैसे तैसे बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, तो तब आपको वेरेट्रम एल्बम सोचनी है। थर्स्टी, एक्सट्रीम थर्स्टी, सर प्यास की तो बात ही मत पूछो, घंटे घंटे में एक एक लीटर, डेढ़ डेढ़ लीटर पानी पी जाता हूं, उतना प्यास लगता है। फिर लेफ्ट साइडेड, कोई भी कंप्लेन है वो लेफ्ट साइड से शुरू होके राइट साइड की ओर जाती है, लेफ्ट साइड कंप्लेन ज्यादा रहती है, लेफ्ट साइड कंप्लेन पहले होती है, ऐसा मिलता है तो वेरेट्रम एल्बम सोचना है, नहीं मिलता है तो वेरेट्रम नहीं देना, ऐसा कुछ नहीं है। ये मिलता है तो इंडिकेशन है, नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर राइट साइड से शुरू होकर लेफ्ट साइड गया है लेकिन दूसरे दो तीन चार इंडिकेशन है जो वेरेट्रम गाइड कर सकते हैं, तो हम वेरेट्रम दे सकते हैं, हम वेरेट्रम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। कब वेरेट्रम ज्यादा सोची जाती है, तो चिल्ड्रन और ओल्ड एज, मतलब कि छोटे बच्चों की दिक्कतें हैं या तो बहुत एज वालों की दिक्कतें हैं, तभी वेरेट्रम ज्यादा सोची जाती है। मतलब कि उम्र भी एक इंडिकेशन है। आप कहते हैं कि पेशेंट बोलता नहीं है, पेशेंट को बुलवाने की जरूरत ही नहीं है, हमें माहिती कहां कहां से मिलेगी, इंफॉर्मेशन कहां कहां से मिलेगी। पेशेंट इटसेल्फ,
पेशेंट बोलेगा तो मिलेगी। दूसरा पेशेंट का बिहेवियर, वो नहीं बोलेगा तो वो कैसे उसकी वर्तणूक कैसी है, वो किस टाइप का बिहेव कर रहा है, उसके ऊपर से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा पेशेंट कैसा दिखता है, पेशेंट का कुछ फेस कैसा है, आंखें कैसी हैं, जीभ कैसी है, क्रैक्स हैं कि नहीं है, उसके दांत कैसे हैं, उनके ऊपर से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा और कहां से इंफॉर्मेशन आएगी, रिलेटिव्स के पास से भी इंफॉर्मेशन आएगी, कोई ब्लड रिपोर्ट्स हैं, कोई इन्वेस्टिगेटेड किया हुआ है, इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट्स हैं, तो उनके ऊपर से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंफॉर्मेशन के ये सारे सोर्स हैं। तो पेशेंट की उम्र एक इंडिकेशन है, अगर पेशेंट चाइल्ड है, लेफ्ट साइडेड कंप्लेन है और थर्स्टी और चिली है, उसको दिक्कत कोई भी है, वेरेट्रम एल्बम सोची जा सकती है। अगर पेशेंट बहुत ओल्ड एज का है, लेफ्ट साइडेड कंप्लेन है, थर्स्टी है और चिली है, तो भी वेरेट्रम एल्बम सोची जा सकती है। आईसी कोल्डनेस ऑफ, कहीं पे भी अगर आपको आईसी कोल्डनेस मिले, आप पेशेंट को टच किया और एकदम कोल्ड था, और पेशेंट छोटा बच्चा है, ओल्ड एज का है, चिली है, वेरेट्रम एल्बम दे दो। पेशेंट थर्स्टी है, लेफ्ट साइडेड है और कोल्डनेस मिल रहा है, वेरेट्रम एल्बम दे दो। दूसरा आईसी कोल्डनेस किस में मिलेगा, आईसी कोल्डनेस कहां पे मिलेगा, कैम्फर में। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैम्फर एंड वेरेट्रम एल्बम, यस अगेन सेकंड इंडिकेशन इज प्रोफ्यूज डिस्चार्ज। आईसी कोल्डनेस के साथ हमें बहुत प्रोफ्यूज डिस्चार्ज मिलता है, कोई भी डिस्चार्ज हो, चाहे डायरिया हो, चाहे वॉमिटिंग हो, चाहे मेंसिस हो, चाहे ल्यूकोरिया हो, कोई भी डिस्चार्ज, चाहे बलगम हो, वो खांसता है तो बहुत सारा बलगम निकालता है। ओल्ड एज का पेशेंट है, आपको विजिट करने के लिए बुलाया गया, सर दवाइयां तो बहुत कुछ ले ली, दादा बहुत बीमार रहते हैं, आइए, आपने देखा तो ओल्ड एज का पेशेंट है, खांसता है और खांसते वक्त बहुत सारा बलगम निकालता है, आपने जैसे ही उसके ऊपर हाथ रखा, ओहो आईसी कोल्डनेस, अब क्या सोच रहे हैं, दे दीजिए वेरेट्रम एल्बम। होम्योपैथी इतना सिंपल है, कोई भी दो तीन चार पांच इंडिकेशन मिलते हैं, दो नहीं तीन चार पांच इंडिकेशन मिलते हैं, कर सकते हैं। इंडिकेशन कहीं से भी मिलेगा, जरूरी नहीं है कि वो मेंटल ही हो, जरूरी नहीं है कि वो डेल्यूजन ही हो, जरूरी नहीं है कि वो ड्रीम ही हो, इंडिकेशन कहीं से भी मिल सकता है। हनीमैन साहब ने कहीं पे भी नहीं कहा है कि मेंटल के ऊपर प्रिस्क्राइब करो, हनीमैन साहब ने कहा है PQRS के ऊपर प्रिस्क्राइब करो, इंडिकेशन के ऊपर प्रिस्क्राइब करो। सो कोई भी डिस्चार्ज प्रोफ्यूज हो तो वो इंडिकेशन है वेरेट्रम एल्बम का। कैम्फोरा में भी आईसी कोल्डनेस है, वेरेट्रम में भी आईसी कोल्डनेस है, लेकिन डिफरेंस क्या है, कैम्फोरा के अंदर डिस्चार्ज नहीं होगा, डिस्चार्ज कम होगा, जबकि वेरेट्रम एल्बम के अंदर डिस्चार्ज प्रोफ्यूज होगा। और अगर पेशेंट का हेड हीट है और एक्सट्रीमिटी कोल्ड है तो मेडिसिन इज ओपियम। तो वेरेट्रम एल्बम कहाँ की मेडिसिन है, कि जब आप अनकॉन्शियस पेशेंट, कोमेटोज पेशेंट, कोलैप्स के पेशेंट देखते हैं, उस कंडीशन में भी वेरेट्रम एल्बम सोची जा सकती है, तब आपको वेरेट्रम एल्बम, ओपियम, कैम्फोरा, इन सब का डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि होम्योपैथी सिर्फ चमड़ी के दर्दों के लिए या बालों के झड़ने के लिए या मुंह के छालों के लिए, ऐसे दर्द के लिए ही कारगर है। होम्योपैथी अनकॉन्शियस पेशेंट, कोमेटोस पेशेंट में भी सोची जा सकती है, वहां पे भी होम्योपैथी मदद करती है, लेकिन होम्योपैथ का लेवल उतना आगे तक जाना चाहिए, हमें उतनी मेहनत करनी चाहिए, हमें वहां से भी इंडिकेशन पकड़ने चाहिए, हमें वहां से भी इंडिकेशन मिलने चाहिए। कोल्ड पर्स्पिरेशन ऑन फोरहेड इज इट इज अ कॉन्कोमिटेंट फॉर वेरेट्रम एल्बम। कब सोची जानी चाहिए वेरेट्रम एल्बम, फोरहेड पे अगर कोल्ड पर्स्पिरेशन होता है, चाहे डायरिया में है, चाहे वॉमिटिंग में है, चाहे पेट दर्द में है, चाहे सिर दर्द में है, चाहे अस्थमा में है, चाहे PCOS में है, चाहे एक्जिमा में है, चाहे सोरियासिस में है, चाहे ANC में है, पेशेंट अगर आपके पास एंटीनेटल केयर के लिए आता है, पेशेंट बोलता है कि बहुत मॉर्निंग सिकनेस है, कुछ खा ही नहीं पाती हूँ, जो भी खाती हूँ सब कुछ वॉमिटिंग हो जाती और आईसी कोल्ड पर्स्पिरेशन मिलता है, थिंक ऑफ वेरेट्रम एल्बम, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने सिद्धांतों के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि जब मेडिसिन सिमिलिमम लॉ ऑफ सिमिलिया के ऊपर दी जाती है तो मेडिसिन विल एक्ट, मेडिसिन एक्ट करेगी ही करेगी। सेंसेशन एज कोल्ड वाटर रनिंग इन वेंस, उसको इतना कोल्डनेस है कि उसे ऐसा लगता है कि मेरा खून है वो कोल्ड हो गया है, खून नहीं लेकिन ठंडा पानी बह रहा है।
तो वेरेट्रम एल्बम सोची जा सकती है। प्रोफ्यूज प्रोस्ट्रेशन विथ कोल्ड ब्लू कोलेप्सिंग, प्रोस्ट्रेशन है, एकदम थका हुआ है, लास्ट स्टेज में है, अब कुछ नहीं कर पाता है, कोल्ड है और ब्लूनेस आ गई है। ब्लूनेस कब आती है? साइनोसिस होता है तब, और कोलेप्स के स्टेज में पेशेंट है, तो वेरेट्रम एल्बम सोची जा सकती है। वहां पे भी वेरेट्रम एल्बम का प्रयोग हो सकता है। होम्योपैथी के सिद्धांत सत्य है, और सत्य किसे कहा जाता है? जो समय के साथ परिवर्तन ना पाए वही सत्य है। टोबैको हार्ट, टोबैको हार्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा दर्दी, ऐसा पेशेंट, ऐसा मरीज कि जो बरसों से टोबैको का कंज्यूमर है, जो टोबैको ले रहा है और उसको हार्ट की कंप्लेंट होती है, तो वो टोबैको हार्ट है। आपके पास पेशेंट आया, सर खांसी बहुत होती है, बहुत बीड़ी सिगरेट की आदत है, बहुत ज्यादा बलगम निकल रहा है और अब बीपी भी बढ़ रहा है, और क्या सोच रहे हैं? दे दीजिए वेरेट्रम एल्बम। इतना सरल होम्योपैथी है। कोई पेशेंट है आपके पास आया है, कोई लेडी है, बोल रही है मेनोरेजिया की तकलीफ है, मेंसिस बहुत ज्यादा आ रही है और इतनी ज्यादा कि थक जाती हूँ मेंसिस में, आपने देखा कि कोल्ड पर्सपिरेशन ऑन फोरहेड है और लेडी है वो नेल बाइटिंग कर रही है, और कुछ चाहिए? नेल बाइटिंग इज ऑल्सो इंडिकेशन फॉर वेरेट्रम एल्बम। 3-4-5 इंडिकेशन मिले, सोचो वेरेट्रम एल्बम। इस तरह की सोच डेवलप करना है, वही गुरुकुल का मकसद है। हम आपको कोई ऑर्गेनन या मटेरिया सिखाने के लिए नहीं आए हैं, हम आपके साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए आए हैं। ये हमारा अकेले का नहीं, गुरुकुल के पूरे लोगों का अनुभव है इसमें। और इस तरह से वेरेट्रम एल्बम सोच के गुरुकुल के सारे लोगों ने प्रिस्क्राइब किया और उनको रिजल्ट मिला, इसीलिए गुरुकुल के लोगों ने डिसाइड किया कि चलो अपना अनुभव सबके साथ बांटते हैं, और उसमें से ही गुरुकुल का अस्तित्व है। स्लीप ऑन बैक विथ आर्म्स ओवरहेड, इस तरह से सोने की आदत है तो भी वेरेट्रम एल्बम सोची जा सकती है। इस तरह से सोने की आदत है तो भी वेरेट्रम एल्बम सोची जा सकती है। इट इज ऑल्सो इंडिकेशन। पेशेंट को बोलने की जरूरत नहीं होती है। ओल्ड पेशेंट है, ओल्ड एज का है, आपको बुलाया गया कि बहुत डायरिया हो चुका है, दादा को आप देखने आइए। आप देखने गए तो दादा इस तरह से सोए हुए हैं और डायरिया है, क्या सोचना है? दे दीजिए वेरेट्रम एल्बम। विल एक्ट, डेफिनेटली एक्ट, क्योंकि वो सिद्धांतों के अनुसार है। होम्योपैथी का मतलब होम्योपैथी दवाइयों का प्रयोग करना नहीं होता है, होम्योपैथी का मतलब होता है होम्योपैथिक सिद्धांतों के ऊपर दवाइयों का प्रयोग करना। दवाई कोई भी हो सकती है। एपेटाइट, कैसी एपेटाइट है कि नोजिया और वॉमिटिंग है उसको, फिर भी उसको बहुत ज्यादा भूख लगती है। डिजायर एवरीथिंग, कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक, जूसी फ्रूट्स एंड सॉल्ट। सॉल्ट डिजायर का मतलब अकेला नेट्रम्यूर नहीं होता है, वेरेट्रम एल्बम के अंदर भी सॉल्ट डिजायर है, वेरेट्रम एल्बम में भी फ्रूट डिजायर है, जूसी फ्रूट डिजायर है, कोल्ड सॉर डिजायर है और कोल्ड डिजायर है। आपके पास पेशेंट आया, सर सांस की दिक्कत है, ओके क्या, और इसके अलावा और कुछ नहीं सर, खाने पीने में क्या अच्छा लगता है? सर मुझे है ना खट्टी चीजें, स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। अब ऐसा कोई रूब्रिक नहीं मिलेगा स्ट्रॉबेरी डिजायर, लेकिन स्ट्रॉबेरी क्या है? जूसी फ्रूट है और सॉर है। स्ट्रॉबेरी डिजायर मिला, उसको क्या मिला? अस्थमा मिला, और इसके अलावा ऊपर से नमक लेने की भी आदत है, मैं चिली हूं। थिंक ऑफ वेरेट्रम एल्बम। डिसएग्री टू ऑल फ्रूट कॉजिंग डिस्टेंशन। सी, फ्रूट का डिजायर है लेकिन उसको फ्रूट से दिक्कत भी हो जाती है। सर फ्रूट स्ट्रॉबेरी अच्छी लगती है लेकिन 2-4 खा लेता हूं ना तो फिर गैस हो जाता है। पोटैटो एंड वेजिटेबल के बाद भी अगर पेशेंट को दिक्कत होती है, पेशेंट ऐसा बताता है आपके पास आता है, डॉक्टर साहब कब्ज की दिक्कत रहती है और कब्ज ज़्यादा बढ़ जाती है, पोटैटो खाता हूँ या तो कुछ वेजिटेबल ले लेता हूँ तो कब्ज और बढ़ जाती है, वेरेट्रम एल्बम सोचिए। ओल्ड एज का पेशेंट है, आपको आके बोलता है कि डॉक्टर साहब बकरी की जो टट्टी होती है ना, बकरी की लिंडी जो थाय छे, शीप डंग लाइक स्टूल। ओल्ड एज का पेशेंट है, कब हो जाता है? डॉक्टर साहब जब जब पोटैटो खाने में आ जाता है ना तब हो जाता है। 3 इंडिकेशन मिल गए। थिंक ऑफ वेरेट्रम एल्बम, रिजल्ट देगी ही देगी। एवर्जन टू वार्म थिंग, डॉक्टर साहब कोई भी मुझे है ना गर्मा गर्म नहीं चाहिए, सूप भी मैं नहीं पी सकता, मुझे ठंड, हम ठंडा वाला आदमी हूँ। 365 दिन सोडा तो पीनी ही पीनी, 365 दिन कोल्ड ड्रिंक ही चाहिए, ठीक है। बर्निंग थर्स्ट, क्रेव्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर और आइस विच इज वॉमिटेड एज सून एज सॉल्ड। बहुत ठंडा पानी पी लेता है और जैसे ही वो गर्म हो जाता है उसका वॉमिटिंग हो जाता है। वॉमिटिंग होता है कि नहीं होता है? अगर आइस का और आइसी कोल्डनेस का
डिजायर या क्रेविंग मिला तो हम वेरेट्रम एल्बम सोच सकते हैं। एक बच्चा है बहुत रेस्टलेस है, आपके पास लाया जाता है, इसको टीथिंग हो रहा है, डेंटिशन हो रहा है, बहुत डायरिया हो रहा है, और डॉक्टर साहब क्या बताएं, वो फ्रिज के नीचे जो बर्फ जम जाता है ना वो निकाल निकाल के खाता है, थिंक ऑफ वेरेट्रम एल्बम। सोची जा सकती है इस तरह से वेरेट्रम एल्बम प्रिस्क्राइब होती है, इस तरह से हमें पेशेंट में वेरेट्रम एल्बम देखना है, इस तरह से वेरेट्रम एल्बम सोचना है ताकि हम वेरेट्रम एल्बम दे सकें, हम वेरेट्रम एल्बम प्रिस्क्राइब कर सकें। हमारा दिक्कत क्या रहता है कि हम मेडिसिन पढ़ते हैं, वेरेट्रम एल्बम ऐसा 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 होता है, वेरेट्रम एल्बम का एक पिक्चर बनाते हैं, एक पोर्ट्रेट बनाते हैं, और फिर पेशेंट में ढूंढने की ट्राई करते हैं कि इसमें वेरेट्रम एल्बम मिलता है कि नहीं मिलता है। नेगेटिव मैचिंग मत कीजिए। क्या करना है हमें, हमें क्या करना है, वेरेट्रम एल्बम कब कब दिया जा सकता है ये सोचना है। ये तीन सिम्टम मिले तो भी वेरेट्रम एल्बम दीजिए, ये मिले तो भी वेरेट्रम एल्बम सोचिए, ये मिले तो भी वेरेट्रम एल्बम सोचिए। अब इनमें से कोई भी तीन इंडिकेशन, चार इंडिकेशन, पांच इंडिकेशन मिलते हैं तो वेरेट्रम एल्बम सोचिए और दीजिए। हमें इस तरह से पढ़ाई करना है, यही सोच डेवलप करनी है, यही गुरुकुल का मकसद है। एलिमेंट्स फ्रॉम ओपियम ईटिंग अभी तो नहीं मिलता है, पहले लोगों को बहुत पुराने जमाने में लोग लेते थे हमारे यहाँ पे, उसको क्या बोलते थे, वो डोडा पीवा गुजराती में ऐसा बोलते थे, वो ओपियम का रेगुलर कंजप्शन करते थे, कसुम्बा लेते थे, अफीम के जो भी ड्रग एडिक्ट्स होते हैं। तो ओपियम ईटिंग का मतलब क्या होता है, अफीम, मॉर्फिन, या तो ड्रग एडिक्शन, कोई भी मॉर्फिन बेस्ड ड्रग एडिक्शन है उसके बाद से दिक्कतें शुरू हुई है, तो वेरेट्रम एल्बम सोची जा सकती है। आपके पास पेशेंट आया, सर पहले से ही इसको वो अफीम लेने की, हमारे दादा हैं पुराने जमाने में लेते थे लेकिन अब तो उनको नहीं देते हैं, लेकिन इनको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है और सीप डंग लाइक स्टूल होता है और ऊपर से सॉल्ट लेने की भी आदत है, थिंक ऑफ वेरेट्रम एल्बम दीजिए। टोबैको चीविंग, टोबैको के बाद कोई भी दिक्कत होती है, हार्ट प्रॉब्लम नहीं, कोई भी दिक्कत अगर टोबैको के बाद होती है तो वेरेट्रम एल्बम सोची जा सकती है। ओवर यूज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट होते हैं और कोई दिक्कत होती है तो भी वेरेट्रम एल्बम सोची जा सकती है। डिसअपॉइंटेड लव, जरूरी नहीं है कि सिर्फ नेट्रम्यूर हो, सॉल्ट डिजायर मिले, डिसअपॉइंटेड लव मिले तो नेट्रम्यूर दे दो, नहीं, सॉल्ट डिजायर, डिसअपॉइंटेड लव और चिली पेशेंट मिले तो थिंक ऑफ वेरेट्रम एल्बम। इंजर्ड प्राइड और ओनर, फ्राइट, शॉक, इंजरी, कोई भी शॉक हो, चाहे वो फिजिकल शॉक हो, मेंटल शॉक हो, इमोशनल शॉक हो, एलिमेंट्स आफ्टर बैड न्यूज, गुड न्यूज, कुछ भी ऐसा हो जिसमें उसको झटका लगे और उसके बाद से दिक्कतें शुरू हो तो वेरेट्रम एल्बम सोची जा सकती है। इंजरी के बाद भी कोई दिक्कतें हो तो भी वेरेट्रम एल्बम सोची जा सकती है। सोचिए कितने सारे इंडिकेशन है फिर भी हम नहीं दे पाते हैं, नहीं सोच पाते हैं, क्यों? क्योंकि एपोरिज्म नंबर 6, हम प्रिज्यूडाइज्ड हैं, ये तो मिलना ही चाहिए, नहीं तो वेरेट्रम एल्बम मत दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। नेगेटिव मैचिंग नहीं करना है, हनीमैन ने कहीं पे भी नहीं कहा है कि नेगेटिव मैचिंग कीजिए, हनीमैन साहब इतना ही बताते हैं, केस लीजिए, उसमें से इंडिकेशन निकालिए, टोटालिटी बनाइए और वो टोटालिटी के सिम्टम जिस मेडिसिन में मिल रहे हैं वो दे दीजिए, यही होम्योपैथी है, यही सरल होम्योपैथी है, यही बेसिक होम्योपैथी है। स्टूल लार्ज विथ मच ट्रेनिंग अंटिल एग्जॉस्टेड विथ कोल्ड स्वेट, लार्ज स्टूल होता है, डायरिया में भी वेरेट्रम एल्बम प्रिस्क्राइब करना है, कॉन्स्टिपेशन में भी वेरेट्रम एल्बम प्रिस्क्राइब करना है, लेकिन कब कॉन्स्टिपेशन में, बहुत लार्ज स्टूल होता है डॉक्टर साहब, आधा आधा घंटा 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 भर बैठना पड़ता है, इतना बैठना पड़ता है, इतना जोर करना पड़ता है कि पूरे मुंह पे ठंडा ठंडा स्वेट आ जाता है, थिंक ऑफ वेरेट्रम एल्बम। इंसेनिटी आफ्टर फ्राइट विथ ग्रेट कोल्डनेस ऑफ बॉडी एंड डायरिया, इंसेनिटी मिलती है, कोल्डनेस मिलती है और डायरिया मिलता है, थिंक ऑफ वेरेट्रम एल्बम। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन विथ फेंटनेस एंड कोल्ड स्वेट, क्रैम्प इन काल्व्स ड्यूरिंग स्टूल, मतलब घोटला चढ़ी जवा, क्रैम्प ऑफ काल्व्स मतलब काफ मसल के अंदर अगर दर्द होता है पेशेंट को, क्योंकि इतना स्ट्रेनिंग करेगा, आधा आधा घंटा 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 दो दो घंटा बैठेगा कि उसको काफ मसल में पेन होने लगेगा ड्यूरिंग स्टूल, स्टूल के ड्यूरिंग होता है या तो नहीं होता है, काफ मसल का पेन मिलता है, सॉल्ट डिजायर मिलता है, फ्रूट डिजायर, जूसी फ्रूट डिजायर मिलता है और चिली पेशेंट है, थिंक ऑफ वेरेट्रम एल्बम। इस तरह की सोच डेवलप करनी है। मेंसिस टू अर्ली टू प्रोफ्यूज, बहुत ज्यादा मेंसिस आता है और बहुत समय से पहले आ जाता है, डिलीवरी के दरमियान की कोई भी कंप्लेंट हो तो वेरेट्रम एल्बम सोची जा सकती है। निम्फोमेनिया यानी कि सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा हो तब भी वेरेट्रम एल्बम सोची जा सकती है। इसके अलावा एग्रावेशन बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसिस, मेंसिस और मेंसिस के पहले और मेंसिस के दरमियान कोई भी दिक्कत बढ़ जाती है तो वेरेट्रम एल्बम सोची जा सकती है। डॉक्टर साहब ये माइग्रेन है ना,
बहुत तकलीफ देता है। हर महीने जब डेट्स आती है ना, तब माइग्रेन हो जाता है। डेट से 2-3 दिन पहले शुरू होता है और पूरी डेट्स के दरमियान रहता है। मैं तो थक गई हूँ इंजेक्शन खाते खाते। मुझे है ना स्ट्रॉबेरी अच्छा लगता है, मुझे ऊपर से सॉल्ट लेने की आदत है और मैं चिली हूँ। प्रिस्क्राइब वेरेट्रम एल्बम। एग्रावेशन ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्टूल। ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्टूल एग्रावेशन, कटिंग कोलिकी पेन इन एब्डोमेन एज इफ बोवेल वर ट्विस्टेड इन नॉट्स विथ क्रैम्प्स इन लिम्स एंड रैपिड प्रोस्ट्रेशन। कटिंग एब्डोमिनल पेन होता है और उसको ऐसा लगता है कि आंतें सिकुड़ गई हैं अंदर और थकान महसूस होती है, तो वेरेट्रम एल्बम सोची जा सकती है। पेनफुल रिट्रैक्शन ऑफ एब्डोमेन वाइल वॉमिटिंग। वॉमिटिंग इतनी स्पाज्मोडिक होती है, इतनी वॉमिटिंग होती है कि उसको जो स्टमक है उसका स्पाजम आता है और रिट्रैक्शन ऑफ एब्डोमेन होता है। पैरालिसिस आफ्टर कॉलेरा फ्रॉम डेबिलेटिंग वाइटल ड्रेन्स एलिमेंट्स आफ्टर वाइटल फ्लूइड लॉस। मतलब कि वॉमिटिंग में, डायरिया में, सीमेन में, मेंसिस में, ल्यूकोरिया में किसी तरह से वाइटल फ्लूइड का लॉस हुआ है तो उसके बाद भी वेरेट्रम एल्बम सोची जा सकती है। साइटिका पेन लाइक इलेक्ट्रिक शॉक। साइटिका का पेन है, पेशेंट आता है बोलता है डॉक्टर साहब साइटिका बहुत दर्द कर रहा है, मेरे से रहा नहीं जाता है, कुछ इसके लिए कीजिए। उसके बाद और कोई दिक्कत नहीं डॉक्टर साहब, और तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कब्ज का दिक्कत रहता है, हर रोज घंटा घंटा भर बिताना पड़ता है, और इसके और तो कुछ नहीं, खाने पीने में क्या अच्छा लगता है, खाने पीने में थोड़ा सॉल्टी होना चाहिए। थिंक ऑफ वेरेट्रम एल्बम, दीजिए वेरेट्रम एल्बम, इतना सरल है होम्योपैथी। रूमेटिज्म वर्स वेट वेदर विच ड्रिव्स आउट ऑफ बेड। रस्टॉक्स लाइक रूमेटिज्म के सिम्टम मिलते हैं तो वेरेट्रम एल्बम सोचा जा सकता है। पता चला रस्टॉक्स में वेट वेदर, डैम्प वेदर में एग्रावेशन मिलता है, फर्स्ट मोशन एग्रावेशन एंड कंटिन्यू मोशन एमिलोरेशन, तो वही टाइप के सिम्टम वेरेट्रम एल्बम में मिलते हैं। तो आपके पास पेशेंट आया, ऑस्टियोआर्थराइटिस की तकलीफ है, ओल्ड एज है, तो ओल्ड एज एक इंडिकेशन मिल गया आपको। रूमेटिक पेन है और वो बोलता है कि पहला स्टेप लूँ ना तभी दर्द ज़्यादा होता है, कंटिन्यू स्टेप लूँ तो कम हो जाता है। दूसरा इंडिकेशन मिल गया और वो बोलता है कि बहुत प्यास लगती है, 3 इंडिकेशन मिले, गिव वेरेट्रम एल्बम, इतना सिंपल। स्टूल फ्रीक्वेंट कॉपियस गसिंग इनवॉलेंटरी राइस वाटर विथ वायोलेंट वॉमिटिंग एग्रावेशन बाय मोशन कॉलेरा लाइक। अगर कब्ज है तो कब्ज वाले सिम्टम मिलने चाहिए, कब्ज के साथ दूसरे 2-3 सिम्टम मिलते हैं तो भी वेरेट्रम एल्बम दिया जा सकता है, और डायरिया है तो डायरिया के साथ दूसरे 2-3 सिम्टम मिलते हैं तो भी वेरेट्रम एल्बम दिया जा सकता है। अगर डायरिया के कॉपियस गसिंग इनवॉलेंट्री राइस वाटर लाइक डायरिया मिलता है तो भी वेरेट्रम एल्बम सोचा जा सकता है। अब आपको ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए कि वेरेट्रम एल्बम डायरिया की मेडिसिन है कि कब्ज की मेडिसिन है, डायरिया की मेडिसिन है कि कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन है। हमारे पास किसी पैथोलॉजी की मेडिसिन नहीं होती है, हमारे पास मेडिसिन होती है उसके इंडिकेशन होते हैं, वो इंडिकेशन किसी भी पैथोलॉजी में मिले हमें वो मेडिसिन सोचना है, वो मेडिसिन देना है। यही बेसिक थॉट है, यही होम्योपैथी का बेसिक थॉट है। अगर ये सोचना शुरू हो गया तो समझो होम्योपैथी आ गया। वायोलेंट रिएक्शन टू पेन एंड मैनिया। दर्द थोड़ा भी होता है तो वो बहुत वायोलेंट हो जाता है, उससे सहन ही नहीं हो पाता है। माइंड कैसा होता है वेरेट्रम एल्बम का? इनिशियल डेज ऑफ प्रैक्टिस है, अगर नई नई प्रैक्टिस है और शुरू कर रहे हैं तो हमें माइंड के पीछे बहुत नहीं भागना है, क्योंकि माइंड बहुत ट्रिकी थिंग है। माइंड बहुत ट्रिकी थिंग है। ये पेशेंट हमें आराम से फूल कर सकते हैं माइंड के अंदर। सो माइंड हमें कब सोचना है वो हम देखते हैं। माइंड हम कब सोचते हैं, कब वेरेट्रम एल्बम सोची जा सकती है? हमें बिल्कुल ऐसा नहीं कहना है कि फुलिश बिहेवियर वाला वेरेट्रम एल्बम होता है, हमें ऐसे सोचना है कि फुलिश बिहेवियर मिलता है तब वेरेट्रम एल्बम सोचना है। तो फुलिश बिहेवियर है, डिस्ट्रक्टिवनेस है। सर गुस्सा बहुत आता है और गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूँ, गुस्सा आता है ना तो मैं सब कुछ फेंक देता हूँ, तोड़ फोड़ करता हूँ। डॉक्टर साहब ये बच्चा देखो ना कितना डिस्ट्रक्टिव है, जो भी इसको खिलौना लेके दो ये खिलौनों को तोड़ फोड़ कर डालता है, पूरा खिलौने का ऑपरेशन कर डालता है। वीक मेमोरी होती है, रेस्टलेसनेस, वायोलेंट फिजिकल एज वेल एज मेंटल इमोशनल अफेक्ट, रिस्टलेसनेस होती है। एक तरह से पेशेंट बैठ नहीं सकता है, एक थॉट पे रह नहीं सकता है, कंटिन्यू चेंजिंग ऑफ थॉट, कंटिन्यू चेंजिंग ऑफ प्लेस, कंटिन्यू चेंजिंग ऑफ
पोजीशन अगर आपको मिलता है तो वेरेट्रम एल्बम सोचा जा सकता है। डिस्पेयर ऑफ सोशियल पोजीशन, उसको अपनी सोशियल पोजीशन बनाए रखनी है, उसको ऐसा लगता है कि लोग मुझे ध्यान दे, मैं कोई अच्छा बड़ा आदमी हूँ। चिल हैज क्रेज फ्रॉम ईटिंग ऑन स्टूल, चाइल्ड हैव क्रेज फॉर ईटिंग ऑन स्टूल। दूसरा मेडिसिन कौन सा मिलता है? हायोसाइमस। कई बार दफा ऐसा बोलता है कि मम्मी पापा आते हैं, डॉक्टर साहब देखिए ना इस बच्चे को क्या हो गया है, अपना ही स्टूल खाता है, ऐसी मिलता है। इसके साथ चिली है, रेस्टलेस है और डिस्ट्रक्टिव है, थिंक ऑफ वेरेट्रम एल्बम। होपलेसनेस मिलता है, डॉक्टर साहब अब कुछ नहीं हो सकता है, उम्र हो चुकी है, हमारे दर्दों का अब इलाज नहीं होता है, आप दवाई दीजिए लेकिन कुछ होएगा नहीं। अगर इस तरह से कुछ पेशेंट बोलते हैं तो वहां पे भी वेरेट्रम एल्बम सोची जा सकती है। ब्रूडिंग व्हेन अलोन, साइलेंट ब्रूडिंग, कंटिन्यूअस ब्रूडिंग। पहले तो हमारे जमाने में तो ऐसा था, मैंने वो भूल कर दी, वो भूल नहीं करनी चाहिए, ऐसा किया होता तो ऐसा नहीं होता, इस तरह से हो गया, डॉक्टर साहब वही मेरी भूल थी, वही थॉट है, डॉक्टर साहब उसने मेरे को छोड़ दिया, वो मेरे को छोड़ के चली गई, मेरे बच्चों ने भी मेरे साथ ऐसा किया, वो भी छोड़ के चले गए, इतनी सारी प्रॉपर्टी थी सब बांट दी और अब मेरी यही हालत है, मेरी वही भूल थी कि मेरे को वो प्रॉपर्टी बच्चों के साथ नहीं बांटनी थी, ऐसा सब कुछ जो बोलता है उसे ब्रूडिंग कहा जाता है। वायलेंट मैनिया अल्टरनेट विद साइलेंट एंड रिफ्यूज टू टॉक, नेवर स्पीक ट्रूथ, प्लेस सिंग्स, एवरीथिंग इज अपहोल्डिंग इज सोशियल पोजिशन। उसको क्या है, सबके बीच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रहना है, उसकी सोशियल पोजिशन में कम नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो क्या बोलेगा, सिंगिंग करेगा, जॉक्स क्रैक करेगा, कुछ ऐसा बोलेगा जब ताकि सब लोग हंसें, और गलत भी बोलेगा, झूठा भी बोलेगा, सब कुछ होगा। वॉन्ट ऑफ शो ऑफ, उसको सबको दिखाना है कि मेरे पास है, मैं सबको हंसा सकता हूँ, मुझे सिंगिंग आती है, मैं कैसा हूँ, मैं एक एट्रैक्टिव पर्सन हूँ, मैं कैसा पर्सन हूँ कि आप सब लोगों को मुझे सेंटर में रखना चाहिए, मेरी सोशियल पोजीशन जो है वो बनी रहनी चाहिए। डेल्यूजन सी इज प्रेग्नेंट, अगर आपके पास कोई ऐसी प्रेगनेंसी की लेडी है जो आते हैं, यूपीटी नेगेटिव आता है, सोनोग्राफी में भी कुछ भी नहीं है, फिर भी पेशेंट कहता है नहीं डॉक्टर साहब मैं प्रेग्नेंट हूँ, उस टाइम पे अगर दूसरे दो तीन चार सिम्टम मिलते हैं तो वेरेट्रम एल्बम सोची जा सकती है, वेरेट्रम एल्बम सोची जा सकती है। डेल्यूजन ही इज ग्रेट पर्सन, इसको ऐसा होता है कि मैं ग्रेट हूँ, मैं कुछ जानता हूँ, मैं करता हूँ, इस तरह का अगर आपको कहीं पे भी सिम्टम मिलता है तो वहां पे भी वेरेट्रम एल्बम सोची जा सकती है। लोक्वासिटी, लोक्वासिटी बहुत है, लोक्वासिटी बहुत है उसमें, बातूनी बंदा है, कंटिन्यूअस बातें करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, तो उसमें भी वेरेट्रम एल्बम सोची जा सकती है। लेसिवियस टॉक, वो जॉक्स क्रैक करेगा तो भी कैसा करेगा, डबल मीनिंग वाला जॉक क्रैक करेगा, वो बातें करेगा तो भी क्या करेगा कि डबल मीनिंग वाले बातें करेगा, उसकी बातों में लेसिवियसनेस बहुत होती है, तो ऐसी ही बातें होती है जिससे हंसना भी आए और लेसिवियस भी हो, जेस्टिंग हो, बहुत जॉक करेगा। मैनिया विथ डिजायर टू कट एवरीथिंग स्पेशली क्लोथ्स, आपने ऐसे पागल लोग देखे होंगे कि जो अपने ही क्लोथ्स को फाड़ देते हैं, ऐसा कर देते हैं, तो उन लोगों में भी वेरेट्रम एल्बम सोची जा सकती है। ड्रीम्स ऑफ डॉग हंटिंग, एंजाइटी, फ्राइटफुल एंगर, इस तरह के कोई भी ड्रीम्स होते हैं तो भी वेरेट्रम एल्बम सोची जा सकती है। चाहे आपके पास जो पेशेंट आया हो वो पेशेंट फीवर का हो, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम मिलते हैं तो वेरेट्रम एल्बम सोची जा सकती है। उस पेशेंट को अमीबिक डिसेंट्री है, उस पेशेंट को कॉपियस स्टूल है, प्रोफ्यूज स्टूल निकल रहा है, पेशेंट चिली है, सॉल्ट डिजायर है, फ्रूट डिजायर है, डिस्ट्रक्टिव है, वीक मेमोरी है, ओल्ड एज है, वेरेट्रम एल्बम दीजिए। आपके जो पास पेशेंट आया है उसको क्या है, उसको चीफ कंप्लेन में कफ है, बहुत कफ है, बलगम बहुत सारा निकलता है, उसको सॉल्ट डिजायर है, फ्रूट डिजायर है, उसको डेल्यूजन है कि वो ग्रेट पर्सन है, उसको अकेला अकेला लगता है, बहुत बातूनी बंदा है, 80 साल की उम्र में भी आपके पास आके डबल मीनिंग वाली बातें कर रहा है, वेरेट्रम एल्बम सोचिए। पता है अगर उसको रेस्पिरेटरी कंप्लेन है, अस्थमा का दिक्कत है, बहुत तकलीफ होती है, तकलीफ कब ज्यादा हो जाती है डॉक्टर साहब वो कुछ पता नहीं है, दूसरी जगह से इंडिकेशन निकालिए, डॉक्टर साहब सपनों में कुत्ता आता है, हर रोज काला कुत्ता सपने में आता है, मुझे लगता है कि यमराज जी उसे भेज रहे हैं, अब मेरे दिन भर गए हैं, आपकी दवाई से कुछ होने वाला नहीं है, मतलब होपलेस है, ड्रीम्स ऑफ डॉग मिला
और अस्थमा का दिक्कत मिला, चिली है, ओल्ड एज है, वेरेट्रम एल्बम दीजिए। चाहे पेशेंट एएनसी में आया है, ल्यूकोरिया है, प्रोफ्यूज ल्यूकोरिया है, उसको मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, चिली है, सॉल्ट डिजायर है, वेरेट्रम एल्बम दीजिए। पैथोलॉजी का नाम कोई भी हो सकता है, लेकिन जब इनमें से 2-3-4 इंडिकेशन, 5 इंडिकेशन, 4 इंडिकेशन मिलते हैं तो वेरेट्रम एल्बम सोचिए। मिनिमम 3 इंडिकेशन तो मिलने ही चाहिए। इंडिकेशन ढूंढना हमारा काम है, वो पेशेंट का काम नहीं है। ऐसा बहाना नहीं होना चाहिए कि पेशेंट बोलता नहीं है, इंडिकेशन कहीं से भी मिलते हैं, ठीक है। इसमें से कोई भी अगर 3-4-5 इंडिकेशन मिले, प्रॉब्लम का नाम कुछ भी हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे गाउट हो, लेकिन 3-4-5 इंडिकेशन मिले तो वेरेट्रम एल्बम सोचिए, वेरेट्रम एल्बम दीजिए। किस तरह से देना है वो हम पोटेंसी का डिस्कशन कर चुके हैं। इसके अलावा आपको कोई दिक्कत है तो आप अपने संयोजक से बात कर सकते हैं। धन्यवाद। जय होम्योपैथी। हम आशा रखते हैं कि सब 1 घंटा होम्योपैथी के लिए डेडिकेटेडली देंगे और होम्योपैथी के लिए काम करेंगे। अगर आप काम करेंगे तो ही सीख पाएंगे, ठीक है। वो एक बहुत अच्छा सुभाषित है, बैठे रहने वाले का किस्मत बैठा रहता है, सोने वाले का भाग्य सोया रहता है और चलने वाले का भाग्य भी चलता है। तो उसी तरह से होम्योपैथी के पाथ पर चलते रहिए, सोए मत रहिए, तो ही आप